तो इसमें डियर स्टूडेंट्स, जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका आज टॉपिक हम पढ़ेंगे सीएसएस लेआउट। क्लास भी हम इसलिए क्योंकि जो है मौसम ठीक नहीं है और बीच में जो क्लास है वो हमारी फिनिश भी जो बंद भी हो सकती है, तो हम अपनी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो मैं सीएसएस का टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपको बताऊंगा लेआउट, कि जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज बनाते समय हमारे पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए, कि टॉप से कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड से कैसा होना चाहिए, राइट साइड से कैसा होना चाहिए, बॉटम से कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सीएसएस जो लेआउट है उसको डिजाइन करना क्या होता है, हमारे लिए काफी आसान होता है। वी कैन यूज सीएसएस लेआउट टू डिजाइन अवर वेब पेज। जैसे हमें होम पेज को डिजाइन करना है, कॉन्टेक्ट अस को हमें क्या करते हैं जो है डिजाइन करना है, अबाउट अस हमें डिजाइन करना है, तो सीएसएस का जो लेआउट है, जो वेब पेज का लेआउट है उसको डिजाइन करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम डिव टैग का यूज करें सीएसएस के साथ, ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, सबसे फास्ट तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका जो स्लो होता है वो होता है टेबल की हेल्प से, और तीसरा होता है फ्रेम सेट की हेल्प से। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको नोटपैड के ऊपर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से सीएसएस के लेआउट को हम डिजाइन करेंगे, तो आप पूरा ध्यान से आप देखिएगा। यहां से मैं अपना नोटपैड जो है वो मैं ओपन करता हूं, ठीक है, तो हम प्रोग्राम पूरा करेंगे कि किस तरीके से हम लेआउट जो है वो डिजाइन करेंगे। लेआउट की हेल्प से आप जो है इसके अंदर इस सीएसएस लेआउट कैन हैव हेडर, आप इसमें क्या डिजाइन कर सकते हो स्टूडेंट, हेडर डिजाइन कर सकते हो, फुटर डिजाइन कर सकते हो, लेफ्ट पेन होती है आपके पास, जो राइट साइड आपके पास होती है बॉडी का पार्ट, हम लेआउट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से अब हम इस प्रोग्राम को कवर करेंगे। तो मैं यहां से अपने नोटपैड पे जाता हूं, तो आप क्या लिखोगे ध्यान से देखिएगा। HTML साइज में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीन के ऊपर आप इजीली जो है उसको आप देख सको। तो HTML हेड टाइटल वर्किंग विथ सीएसएस लेआउट एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग दिव्या। बाकी जो हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, पूनम क्लास नहीं जिसने ज्वाइन किया, जानवी ने अभी ज्वाइन नहीं किया। टाइटल स्टाइल टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्टाइल टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसमें हेड टैग को क्लोज कर देते हैं, बॉडी को हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी टैग को हम क्लोज कर देते हैं, HTML को हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया, मैं इसको सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर, देखिए मैं यहां पे सेव कर रहा हूं सीएसएस लेआउट के नाम से। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले बॉडी टैग जो मैं ओपन करता हूं, यहां पे बॉडी टैग के अंदर मैं काम करूंगा, यहां पे मैं डिव टैग यूज कर रहा हूं। ठीक है, डिव टैग के अंदर हेडिंग टू में आप कुछ भी लिख दो, जैसे आपने लिख दिया हेडिंग टू को क्लोज कर दिया हमने, डिव को क्लोज कर दिया, फिर मैं यहां पे डिव टैग यूज कर रहा हूं, और यहां पे मैं अभी क्लास सिलेक्टर में यहां पे लिख रहा हूं, अभी मैंने क्लास बनाई नहीं है, यहां मैं ये हेडर का काम कर रहा हूं, कि हेडर के ऊपर ही जो हमारा ये हार्ट ऑन स्केल सेंटर है ना प्रिंट होके आए। फिर मैं अगला एक डिव टैग यूज कर रहा हूँ, कंटेनर टैग जो हमारा एक बीच का पार्ट होगा बॉडी का, फिर मैं यहाँ पे डिव क्लास मैंने यहाँ पे एक लेफ्ट ले ली, ये लेफ्ट पेन बनेगी हमारी, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट जो है इसका नाम दे दिया। फिर हमें भी इसकी स्टाइलिंग करेंगे, पी पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ लेफ्ट पेज। ठीक है, और इस डीआईवी को मैं क्लोज कर देता हूँ, जो ये मैंने लेफ्ट पेन वाला बनाया है ना। गुड मॉर्निंग, गुड ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो डीआईवी मैंने बनाया है लेफ्ट पेन वाला, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट लूंगा, डिव क्लास इज इक्वल टू बॉडी, ठीक है, और हेडिंग वन में मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉडी पेज, ये हमारा बॉडी का पेज हो जाएगा।
ठीक है, अब पैराग्राफ में ले लेता हूं, यहां पे कुछ भी मैं कंटेंट लिख देता हूं, पेज कंटेंट, गोज हेयर। नेटवर्क की थोड़ी बीच में इश्यू आ सकता है, बाकी अभी तक तो कोई आया नहीं है, नहीं आया तो ताकि हमारी क्लास जो है वो स्मूथली चलती रहे। मैं इसी की जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो आप क्या काम करोगे, इसको सिलेक्ट करो। गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग। तो मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल वी। ये मैंने इतना जो है इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो ये बॉडी वाला पार्ट है ये हमने कॉपी कर लिया, आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी कॉपी कर लेंगे। तो जो मैंने ये डीआईवी बॉडी वाला जो मैंने खोला हुआ है ना, इसको भी मैं क्या काम कर देता हूं, इसको भी मैं बंद कर देता हूं। यहाँ पे इस डीआईवी बॉडी वाले डीआईवी को मैंने बंद कर दिया। ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि वेब पेज बनाते में थोड़ा इसका साइज छोटा करूं ताकि सभी स्टूडेंट्स एक बार इस पूरे प्रोग्राम को देख लें। डिव टैग की ये पूरा प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। डिव टैग की वेब पेज डिजाइन करते समय काफी जरूरत पड़ती है। अब हमने लेफ्ट की जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर बनाया, फिर बीच कंटेनर, बीच का पार्ट लिया, लेफ्ट की हमने कोडिंग की, बॉडी हमने यहाँ पे की। अब मैं यहाँ पे राइट क्लास की जो है वो कोडिंग करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, डिव क्लास, आपने यहाँ पे क्या दे दिया राइट, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट पेज। डिव टैग को आपने क्लोज कर दिया इस राइट वाले को, और जो ऊपर एक कंटेनर वाला डीआईवी खोला हुआ था ना स्टूडेंट, ये हमने बंद नहीं किया था, तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट के बाद इस वाले डीआईवी के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन टैग, ठीक है। अब मैं फुटर की बात करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फुटर ले लेता हूँ डिव, तो क्या यहाँ पे ले लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू फुटर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स बाद में मेरे साथ कनेक्टेड हुए हैं, स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम सीएसएस में जो आपका वेब पेज है, वेब पेज का लेआउट हम कैसे तैयार करते हैं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पी में आपने पैराग्राफ में आपने यहाँ पे क्या लिखा, फुटर, ठीक है। डिव को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स और भी कनेक्टेड हो रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे डिव टैग को आपने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब हम इस इतने प्रोग्राम का हम रिजल्ट चेक करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ये सीएसएस लेआउट का प्रोग्राम आ रहा है ना सर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो अभी आपका जो ये पेज है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो ऊपर मैंने ये हेडर दिया हुआ है, ये मैंने लेफ्ट पेज यूज किया हुआ है, ये मैंने बॉडी पेज का सारा मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये मेरा राइट पेज है, फुटर है। देखिए अभी सिंपली ऐसे लिखा आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी इसकी कोई स्टाइलिंग नहीं की है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। अभी मैंने कोई इसकी स्टाइलिंग नहीं की है, अभी जस्ट मैंने सिंपल एक पेज बनाया है, ठीक है। अब मैं इसकी धीरे धीरे स्टाइलिंग करूंगा कि जो मैंने क्लास सेलेक्टर यूज किया है, तो देखो स्टाइलिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो अब आप जाओगे, इतना सभी स्टूडेंट को समझ में आया पहले, ये भी कुछ स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो अब देखिए स्टाइलिंग हम किस तरीके से करेंगे, मैं यहां से स्टाइल में जा रहा हूं। सबसे पहले हम स्टाइलिंग करेंगे हेडर की, ठीक है। तो देखो मैंने हेडर में यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओके जी, वेरी गुड। अब यहां से देखिए स्टाइल में हम जाएंगे, हेडर की हम स्टाइलिंग करेंगे। तो क्लास सेलेक्टर हम पढ़ रहे हैं, क्लास सेलेक्टर आपको पता है कि डॉट से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम पीरियड सिंबल बोलते हैं, पीरियड, ठीक है। हेडर यहां पे मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा, मार्जिन में यहां पे दे देता हूं
मार्जिन मैंने यहाँ पे दे दिया 8 पिक्सल, ठीक है, -8 पिक्सल। फिर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे -8 पिक्सल ये दे देता हूँ इसके अंदर, फिर मैं यहाँ पे 0 पिक्सल कर देता हूँ, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग, जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स। और अब मैं स्टूडेंट यहां पे क्या काम कर रहा हूं, यहां पे मैं 0 पिक्सल यहां पे दे देता हूं, 0 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड में यहां पे इमेज ले लेता हूं, बैकग्राउंड इमेज यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये स्टाइल होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट मार्जिन आपने -8 पिक्सल आपने सेट कर लिया, ठीक है। यहां पे आपने बैकग्राउंड इमेज लिखा लीनियर ग्रेडियंट, यहां पे मैं दे देता हूं इसके अंदर, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसा स्टाइल आएगा, 145 डिग्री, ठीक है, कॉमा हैश। ये आपको मैंने बताया था कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू हैश से स्टार्ट होती है, तो मैंने कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू यहां पे ले ली 7379, ठीक है, FF, ये कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। फिर हैश का मैंने साइन डाला B52, ठीक है, 4EF, ये भी कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है आपके पास, ठीक है। अब आगे सिंपल जो मुझे कलर देना है, तो आप कलर सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कलर मैंने व्हाइट लिख दिया। टेक्स्ट का अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट अलाइन, यहां पे टेक्स्ट अलाइन में क्या कर देता हूं, सेंटर, ठीक है। यहां पे मैं अभी मैं आपको इतना आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको, तो इतना रिजल्ट आप चेक करो कि कैसे आपके पास देखिए आता है। इसके अंदर फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो, इस पे जाओ, मैं जैसे इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका हेडर पार्ट का स्टाइलिंग आ गया, ठीक है। ये हेडर पार्ट की मैं आपको एक कोडिंग दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए कोडिंग हमने किस तरीके से की है। मैंने तो सबसे पहले मार्जिन सेट किया 8 पिक्सल 8 पिक्सल 0 पिक्सल, बैकग्राउंड इमेज मैंने लीनियर ग्रेडियंट 145 डिग्री, जो कलर आ रहा है ये कलर की मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रखी है। इधर मैंने कलर स्टूडेंट व्हाइट लिखा है, तो देखिए व्हाइट कलर आ रहा है। टेक्स्ट अलाइनमेंट ये आपका सेंटर में आ रहा है, ठीक है, तो सेंटर में हो गया। अगर आप पैडिंग लगाना चाहते हो ना स्टूडेंट, तो आप पैडिंग किस तरीके से लगाओगे, आप यहाँ पे क्या लिख दो इसके अंदर, पैडिंग, मैंने यहाँ पे पैडिंग इसके अंदर दे दी 10 पिक्सल। पैडिंग 10 पिक्सल से क्या होगा, ऊपर और नीचे से स्पेस खुला हो जाएगा आपके पास। सेव पे क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूं, तो देखो इतनी आपके पास ये पैडिंग लग गई। तो ये हमारा हेडर सेट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हेडर सेट हो गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये हमने हेडर पार्ट बनाया। अब हम किसकी कोडिंग करेंगे, लेफ्ट पेज की अब हम कोडिंग करेंगे। तो हम वापिस अपने नोटपैड के ऊपर चलते हैं, ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको जो है मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, ताकि आप इसको इजीली समझ सको। तो सबसे पहले मैं इतना काम मैंने हेडर के अंदर हमने सेट किया, ठीक है। अब हम लेफ्ट की कोडिंग करेंगे स्टूडेंट, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, डॉट लेफ्ट। इससे पहले ना कंटेनर की कोडिंग कर लो स्टूडेंट, हमने कंटेनर यूज किया था ना, देखो नीचे मैंने यहां पे ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे हेडर के बाद मैंने ये कंटेनर यूज किया हुआ है, तो पहले कंटेनर की हम कोडिंग करेंगे। तो क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे हम, डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर, कंटेनर हमने यहाँ पे लिया, मैं विड्थ कर देता हूं इसकी 100%, 100%, ये इसको आप 100% में ऐसे लिख लो आप, ठीक है, 100% में मैंने इसको लिख दिया। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इस स्टाइल को, ठीक है। अभी इससे कोई खास आपके पास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप प्रोग्राम की आप रिजल्ट चेक करोगे तो अभी कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने कंटेनर की जो विड्थ पेज की जो हमने विड्थ सेट की है वो 100% हमने सेट की है। अब हम लेफ्ट पेज की हम कोडिंग करेंगे, डॉट इज ए क्लास सेलेक्टर, जो हमने यहाँ पे देखिए इसमें मैंने डिव टैग यूज किया है, इस लेफ्ट की मैं कोडिंग करूंगा, ये हमारा जो लेफ्ट सेक्शन है मैं इसकी कोडिंग करूंगा, ठीक है। तो मैं इसकी कोडिंग करने के लिए यहां पे क्या काम करता हूं, डॉट लेफ्ट, यहां पे आप जाओगे लेफ्ट साइड में, आपने यहां पे विड्थ में यहां पे ले लेता हूं, विड्थ मैंने ले ली इसकी 15%, ठीक है। और फ्लोट, फ्लोट प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैंने आपको फ्लोट प्रॉपर्टी बताई थी, यहां पे मैं इसको क्या कर देता हूं, लेफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो जरा हम इतना इसको देखते हैं, फाइल पे जाता हूं, मैं इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए अभी हमारे पास लेफ्ट पेज की ये सेटिंग हो गई है। अभी थोड़ा सा आपको ये सही नहीं लग रहा होगा, जैसे जैसे हम स्टाइलिंग करते जाएंगे ना स्टूडेंट्स, अपने आप ये सारी सेटिंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है।
अब आप जाइए इसमें आगे, हम फिर हम चलते हैं इसके अंदर। अब मैं करूंगा बॉडी की कोडिंग। तो देखो लेफ्ट के बाद हमारे पास जो पेज आता है वो डीआईवी क्लास बॉडी वाला पेज आपके पास आता है। तो यहाँ पे डॉट इज ए क्लास सिलेक्टर, बॉडी हम यहाँ पे लेंगे, विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे 65 मैंने यहाँ पे कर दी, 65%। ठीक है, फ्लोट मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट रखता हूँ, मैंने फ्लोट लेफ्ट रखा है यहाँ पे। बैकग्राउंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे कलर लिया पिंक कलर, में बैकग्राउंड कलर पिंक ले लेता हूँ। और पैडिंग में जो यहाँ पे दे देता हूँ इसके अंदर, पैडिंग में दे देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, अब हम बॉडी की भी हम इसकी, मैंने इतना काम कर दिया, मैं अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस या माउस से सेव पे क्लिक करता हूँ, अपने रन वाले पेज पे जाऊंगा, ब्राउजर वाले पेज पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट, ये इधर का साइड आपका लेफ्ट पेज हो गया, इधर देखो अभी आपका बॉडी पेज हो गया, इधर देखो ये राइट पेज आ रहा है, अभी फुटर देखो जो नीचे आना चाहिए था वो इधर आ रहा है। और आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि जो ये हमारे पास ये जो इतना गैप आ रहा है, ये गैप भी नहीं आना चाहिए, ये गैप भी हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये गैप हम किस तरीके से सेट करेंगे, हम जैसे जैसे प्रोग्राम में हम आगे चलते जाएंगे। मैं अपना नोटपैड यहां से मैं ओपन करता हूं। अब यहां से मैं अब राइट की कोडिंग करूंगा। तो मैं राइट जो है मैंने यहां पे यूज किया, ठीक है, और यहां पे मैं इसकी विड्थ भी जो है मैं यहां पे क्या कर देता हूँ, 15% में कर देता हूँ। यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे जो है इसके अंदर लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये राइट की मैंने कोडिंग कर दी। अब आप इसको सेव करो, इसको मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखो जैसे मैं राइट की कोडिंग करता हूं, तो ये जो ऊपर इतना मार्जिन आ रहा था, ये जो हमारे पास मार्जिन आ रहा था, देखो ये मार्जिन आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब ये राइट पेज आपका देखो, अब हमारा ये बिल्कुल वेब लेआउट, जब हम पेज बनाते हैं ना वेब पेज, तो देखो ये हमारा हेडर साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट पेज हो गया, ये हमारा बॉडी का पेज हो गया हमारे पास। अभी हमें फुटर की सेटिंग करनी है, तो हम फुटर की अब सेटिंग करेंगे हम यहां से। तो राइट के बाद अब हमारे पास आता है फुटर का। तो यहां पे देखिए अब स्टूडेंट, मैं यहां से इसके अंदर फुटर में जाऊंगा, फुटर जैसे हमने हेडर में मार्जिन वगैरह सेट किया था, ऐसे हम इसमें भी हम -8 पिक्सल वही ऊपर वाला काम ही हम करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज हमने क्या ले ली यहां से, वही जैसे हमने ऊपर लिखा था, लीनियर ग्रेडियंट 145 डिग्री। मैं यहां पे हैश कलर दे देता हूं 7379FF कॉमा हैश B52 4EF। ठीक है, मैंने ये दे दिया। ओके, कलर मैं यहां पे क्या कर देता हूं, व्हाइट टेक्स्ट लाइन आपने यहां पे क्या काम कर दिया, सेंटर पैडिंग हमने यहां पे दे दिया इसके अंदर 10 पिक्सल। अब देखिए मैंने राइट की भी यहां पे कोडिंग की है, सेव करो, फुटर की भी मैंने ये कोडिंग की है अभी। तो अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, बट ये देखो ये हमारी सारी सेटिंग गलत हो गई। देखो ये राइट पेज इधर कैसे हो गया, लेफ्ट इधर कैसा हो गया, फुटर इधर कैसा हो गया। तो सुन, ये सारी सेटिंग ठीक करने के लिए ना सिर्फ एक छोटी सी कमांड है, वो कमांड देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे सारा पेज हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं वो छोटी सी कमांड यहाँ पे देखो, मैं इसी फुटर के अंदर वो छोटी सी कमांड हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो छोटी सी कमांड हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियर बोथ। एक कमांड हमारे पास, मैं देखो फुटर के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियर बोथ, ये भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर बोथ। जैसे ही देखो मैं प्रॉपर्टी करता हूँ, प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, अभी मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश नहीं कर रहा, देखो क्लियर बोथ लिखने से मैं जैसे ही प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा, ये देखो आपका पूरा, देखो आपका सेट हो गया। आपको देखो मैं ऊपर दिखा पा रहा हूँ तो ये हेडर आ रहा है, ठीक है, नीचे में आपको दिखा पा रहा हूँ तो देखो आपके पास ये फुटर सेक्शन देखो आपके पास आ गया। हम क्या काम करते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर मैंने पेज कंटेंट ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या करता हूँ, पेज को मैं थोड़ा सा अपना यहाँ से छोटा करता हूँ, 100% में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा हेडर पार्ट हो गया, पेज कंटेंट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ,
फाइल पे मैं जाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, तो वो थोड़ा सा इसमें मेरे को यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, सेव करता हूँ इसको, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो फुटर आ रहा है आपके पास, एक थोड़ा सा इसके अंदर और कर दो, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, तो ये देखो सुनिए, ये हमारा हेडर पार्ट हो गया, ये हमारे पास देखो आपके पास जो है लेफ्ट पेज हो गया, ये बॉडी पेज हो गया, ये राइट पेज हो गया। तो इस तरीके से हम सीएसएस का जो वेब लेआउट है पेज का, वो हम सेट करते हैं जब हम वेब पेज बनाते हैं, कि हमारा वेब पेज देखने में अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जितना पेज आपका अट्रैक्टिव होगा उतने ही लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे। ठीक है, बोलिए सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हुआ? मुझे जो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हम सीएसएस का लेआउट किस तरीके से हम सेट करते हैं। स्टूडेंट सुन पा रहे हैं ना मेरे को? सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी का कोई कमेंट नहीं आया? और जितने भी ये जो मेरे पास क्या कहते हैं ये स्टूडेंट हैं, अमित, काजल, आंचल, बाकी जो आपके ट्रेनिंग वाले जो जिनको भी आप जानते हो, उन सभी स्टूडेंट्स को बोलो कि वो भी जो है क्लास लगाएं, रेगुलर क्लास लगाएं। 9:30 बजे मेरी पहली जो सीएसएस की क्लास होती है, और जो 10:45 पे हम 11:15 बजे में दूसरी वाली क्लास लूंगा जावास्क्रिप्ट की, जिसमें हमने वो प्रोग्राम कल डिस्कस किया था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया कि हम वेब लेआउट कैसे बनाते हैं? इसका भी आप स्नैपशॉट ले लो, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं। देखो मैं आपको बहुत आराम से करवा रहा हूं, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करता, हम ज्यादा इसके अंदर ज्यादा नहीं, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, आप इस प्रोग्राम को आप ट्राई कर सकते हो, ये मैंने ऊपर से इसको किया हुआ है, इसका आप आराम से स्नैपशॉट ले लीजिए। आप पहले इतने पेज का आप स्नैपशॉट ले लो, जितने भी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको कहो कि क्लास रेगुलर लग रही है, ताकि उनको भी फायदा हो सके, वो भी घर बैठ के पढ़ सके अपना। इतने का स्नैपशॉट ले लिया, अब मैं ये देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, ये राइट तक देखो, यहाँ राइट तक का आप स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट, ये राइट तक का। अगर आपको साइज छोटा लग रहा है तो मैं साइज बड़ा करूं, ये ले लो इसको, ये देखो आपको बॉडी तक यहां नजर आ रहा है। अब मैं इसको देखो आगे बढ़ा रहा हूं, ये देखो ये बॉडी से मैं आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ये देखो बॉडी से यहां से तक का, यहां तक का भी आप स्नैपशॉट ले लो। नहीं मेरी तरफ से तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जो स्टूडेंट्स जब मुझे बताएंगे, रुचि मुझे कह रही है कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्योंकि थोड़ा सा आज मौसम ठीक नहीं है, उसकी वजह से क्लास थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। आप आगे का भी इसका भी मैं स्नैपशॉट आपको दे रहा हूँ, आगे का भी आप ये स्नैपशॉट ले लो। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बताया कि हम वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं, वेब पेज का लेआउट डिव टैग की हेल्प से हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो डिव टैग है इसका हम वेब पेज डिजाइन करते हुए बहुत हम ज्यादा यूज करते हैं। और ये हमारे जो इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है आपका। आज मैं इसमें आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, आप पहले इतना ही आप अच्छी तरीके से जो है, हाँ अब तो आ रही है कोई बात नहीं, वो बीच बीच में मौसम की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आज मैं आपको इसमें इतना ही काम कराऊंगा ताकि आप इतना अच्छी तरीके से आप जो है कवर कर सको। ठीक है, मेरे को कोई जल्दी नहीं, हम आराम आराम से हम पढ़ेंगे, हमने घर बैठ के पढ़ना है, तो आप इतना जितना भी मैंने आपको काम करवाया, जितने भी मेरे साथ ये स्टूडेंट सारे कनेक्टेड है, इतना आप अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। अगर आपकी कोई और भी इसमें क्वेरी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छी तरीके से इसको पढ़ो आप। ठीक है, तो मैं आज की क्लास जो है मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट, 11:15 फिर मैं दूसरी क्लास लूंगा। तब तक आप अपना जो है ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपने काम करना है वो आप कर लो, फिर हम 11:15 जावास्क्रिप्ट की क्लास हमें इसमें लेते हैं अपना। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा, आप सभी को इस लेक्चर से बेनिफिट होगा। ओके बाय स्टूडेंट।